जय माता दी, जय माँ कामाख्या। गुप्त नवरात्रि में मनुष्य को क्या करना चाहिए? बहुत से मनुष्य का प्रश्न है कि गुप्त नवरात्रि कौन मना सकता है, गुप्त नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, हमारा कोई गुरु नहीं है, हम किससे पूछें, आप क्या सलाह दोगे, गुप्त नवरात्रि में हम क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है तो गुप्त नवरात्रि में कुछ कर सकते हैं क्या। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर के चली गई है, तो उसके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या, कुछ वशीकरण का काम कर सकते हैं क्या। फिर कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो कुछ आप बता दो कि हम कुछ करें कि जिससे इस गुप्त नवरात्रि में साधना कर लें, हवन पूजन कर लें कि उनकी शादी ब्याह हो जाए। तो ऐसे जितने मुंह उतनी बात होती है, और जितने व्यक्ति उतनी परेशानी है। तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि परेशानी का कारण आप अपना स्वयं है, स्वयं का व्यवहार है, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल ही आपको कांच के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप अपने कर्मों को सुधार लो, और गुप्त नवरात्रि में यदि कुछ करना ही चाहते हैं तो उसके कुछ नियम है। पहली बात तो गुप्त नवरात्रि का मतलब है 10 महाविद्या की उपासना। आपने 2 नवरात्रि पहले देखी, चैत्र मास में जो नव वर्ष स्टार्ट होता है उस समय पे नवरात्रि मनाई जाती है, और एक जो है अश्विन मास जिसको क्वार भी बोलते हैं कुछ लोग, अब तो अश्विन मास में भी नवरात्रि मनाई जाती है, वो सबके लिए होती है, उसमें 9 दिन की उपासना होती है, और उसमें जो देवियों की उपासना की जाती है उनमें उसमें प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुशामांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम और नवम सिद्धदात्री, नव दुर्गा प्रतिर्कीता। यानी कि इस प्रकार 9 देवियों की पूजा उन 9 दिन में की जाती है, और 9 रात्रि का मतलब रात को पूजा करना होता है। परंतु जो ये जो गुप्त नवरात्रि होती है, इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजन अर्चन की जाती है, और रात को ही की जाती, सूर्यास्त होने के बाद ही की जाती है। और इसमें जो भी कर्म किया जाए, जब तक आप गुरु से दीक्षित न हो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन नवरात्रि में इस समय पे यह भी शक्ति साधना का ही रूप है पूर्ण रूप से, तो इसमें शक्ति साधना की जाती है। और इसमें गुप्त नवरात्रि में सिर्फ तांत्रिक साधना ही होती है, और देवियों से संबंधित ही होती है, और रात को ही होती है। तो चूंकि आपको तांत्रिक नहीं बनना है, आपको तंत्र विद्या की सिद्धि नहीं लेना है, आपको तांत्रिक शक्तियों को आह्वान नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं उनको कैसे मेंटेन किया जाए, इसलिए साधारण परिवार, साधारण मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे गुप्त नवरात्रि में कोई साधना नहीं करनी चाहिए। हां, अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण करने के लिए 9 दिन 10 दिन तक उपवास रख सकता है, वो मां भगवती के नाम ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, परंतु ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ मां भगवती की कृपा बनी रहे इसके लिए आप चाहें तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। कुंजिका स्त्रोत का पाठ जो होता है उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो रोजाना जो है कुंजिका स्त्रोत का पाठ कम से कम 108 बार रोज करो, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और पूरे 10 दिन तक, 10 रात तक आपको ये पाठ करना है, हवन करना है दशांश, और रोजाना हवन कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और दशांश हवन करना है, कन्या पूजन अवश्य करें, और मीठा भोजन कन्याओं को खिलाना है, और कन्याओं को अपनी यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, वस्त्र, श्रीफल और अन्य फल,
और जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उन चीजों को भेंट में अवश्य देना है, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो यदि करना ही है कि आपकी घर परिवार की उन्नति हो, आपकी उन्नति हो, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, केवल ये उद्देश्य लेकर के यदि करना है, इसके अलावा दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो आप कुंजी का स्त्रोत का पाठ 108 बार रोजाना करें और 11 बार कुंजी का स्त्रोत का पाठ से हवन करें। अब कुंजी का स्त्रोत का पाठ करते समय दो बार स्वाहा आता है, तो आपको वो दो बार स्वाहा बोलना है, उसे एक ही माना जाएगा। और इसका हवन जो आप करें, कोशिश की जाए हवन सामग्री के अंदर जितने प्रकार की आप जड़ी बूटी ला सकते हो वो जड़ी बूटी लेकर के आओ, और जड़ी बूटी को मिक्सर के अंदर पीस करके अपनी हवन सामग्री में आप मिला लें। 9 प्रकार का अनाज होता है, अलग अलग कलर वाला, वो साबुत अनाज ला करके अंदर डाल लें, घी डाल लें, मिश्री डाल लें, कमल गट्टे डाल लें, काले तिल, जो ये सब डालने के बाद लौंग, इलायची, खड़ी इलायची, डोड़ा इलायची और 9 ग्रह की लकड़ी, 9 देवियों की लकड़ी, इन सबको मिला करके हवन सामग्री तैयार करें। कपूर, छार छबीली, कपूर काचली, ये सब जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और फिर हवन करें। यदि कोई मनुष्य कुंजी का स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकता हो, नहीं बोल सकता हो, तो देख करके बोले, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और यदि बोलते नहीं आना है तो आगे भविष्य में जब भी आपके पास समय हो आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपको पूरी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करना आपको सिखा सकते हैं, बोलना आपको सिखा सकते हैं, देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। यदि किसी मनुष्य के पास समय नहीं हो कि वो 108 बार कुंजी का स्त्रोत का रोज पाठ करे, क्योंकि 108 बार करने का मतलब हो गया 1.5 से 1.75 घंटे तो कम से कम लगेंगे, और जो पहली बार कर रहा है उसके लिए तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो आप 54 पाठ सुबह कर सकते हो और 54 पाठ रात को कर सकते हो। सवेरे भी करें तो अंधेरे में करना, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर करना है, और शाम को भी आप रात को भी करें तो 7-8 बजे के बाद पाठ करना है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है रात को ही पाठ करना, और आप क्या कर रहे हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को मत बोलिए कि आपने कोई संकल्प लेकर के ये पाला पाठ कर रहे हैं। यदि आप ये पाठ नहीं कर सकते हो तो आप नवान मंत्र जो होता है ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। इसके अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ओम शब्द आपको लगाना ही लगाना है, चाहे 10 शब्द हो रहे हो नवान के बजाय 10 वर्ण हो रहे हैं, परंतु ओम ब्रह्मांड का मंत्र है, इसलिए आपको ओम अवश्य लगाना, तभी आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपके पास कोई शक्ति आ सकती है। तो ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो यहां पे एंग शब्द का प्रयोग नहीं करें, रिंग शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं करें, आपको बोलना है मां शब्द बोलना वहां पे अम की बिंदी पे, यह भी अक्सर आप गलती करते हैं तो यह गलती ना करें। ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, अब यह हीम नहीं है, रीम है, ये अवश्य ध्यान रखें। एम रीम एच आई आर आई एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो कहीं कहीं जगह लिखा हुआ है हीम शब्द तो वो गलत हो जाएगा, उसको रीम बोला जाना चाहिए। तो आपके शरीर के अंदर एक अजीब किस्म की ऊर्जा उत्पन्न होगी, तेज बढ़ेगा आपका, और हवन रोजाना आपको करना है। रोजाना एक खोपरा गोला जिस वो अवश्य आपको हवन कुंड में डालना है, या एक सूखा नारियल आपको डालना है, एक सेव फल, एक अनार, कोई भी ऋतु फल, जायफल, नींबू, इन सब का प्रयोग इन 10 महाविद्या में अवश्य करना चाहिए। यदि आप और कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो देवराधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हमें क्या करना है, कैसे करना है। परंतु आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें, किसी भी गुरु से प्राप्त करें, चाहे मेरे से करें या कोई और से भी आप ज्ञान प्राप्त करें, आपको गुरु दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
गुरु दोष उत्पन्न होगा तो आपके द्वारा लिया गया ज्ञान समय आने पर प्रयोग नहीं होगा, आप उसको भूल जाओगे या फिर आपको वो ज्ञान आपके काम में ही नहीं आएगा। इसलिए गुरु जी से जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसे गुरु दीक्षा के रूप में या तो उनकी सेवा करें या उनको गुरु दीक्षा के रूप में दक्षिणा अवश्य प्रदान करें या फिर उनके आश्रम में जाकर के यदि आपके पास पैसे नहीं हो तो शारीरिक दान, शरीर का दान, शारीरिक श्रम का दान करके गुरु दीक्षा को एडजस्ट किया जा सकता है। गुरु से स्वीकृति लेकर के ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। या फिर एक चीज और है कि इस 10 महाविद्या में 10 महाविद्या स्त्रोत होता है, आप चाहें तो उस 10 महाविद्या स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं इस 10 दिन के अंदर, क्योंकि नवरात्रि में 10 रात का काम होता है तो 10वीं रात आपको ये पाठ करना है। और ये पाठ करने से मतलब 10 महाविद्या स्त्रोत का भी यदि पाठ कर लेंगे तो इसके लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी स्त्रोत होते हैं इन स्त्रोत के लिए गुरु से परमिशन की जरूरत नहीं होती है। फिर भी यदि आपके पास कोई गुरु उपलब्ध हो तो उनसे स्वीकृति लेकर के ही पाठ स्पष्ट उच्चारण करना सीखें और बोलना प्रारंभ करें, पर उस स्त्रोत का पाठ करें तो आपको किन किन नियमों का पालन करना है यह अवश्य किसी गुरु से प्राप्त करें, क्योंकि हर गुरु के अपने अपने नियम होते हैं, उन नियमानुसार आपको उसका पाठ करना है। तो एक नमस्ते चंडी के चंडी चंडमुंड विनाशिनी, ये 10 महाविद्या स्त्रोत में आपको बोल के सुना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और धीरे धीरे आप इसको याद कर लोगे तो आगे भविष्य में आपकी बहुत सारी समस्या का हल इस स्त्रोत के पाठ से आपकी हल हो सकती है। पर जब भी पाठ करें नींबू अवश्य रखें, घी का दीपक लगा सके तो घी का दीपक लगाएं, यदि घी उपलब्ध नहीं हो तो तेल का दीपक लगा दें, यदि यह भी उपलब्ध नहीं हो तो सुगंधित द्रव्य अवश्य जला दें, कंडा जला करके गाय के ऊपर, गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर गूगल की धुनी अवश्य दें, कपूर और लौंग अवश्य जला दें। तो नमस्ते चंडी के चंडी चंडमुंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, स्पष्ट उच्चारण करें, स्पष्ट बोलें ताकि आपके शरीर से ऊर्जा उत्पन्न हो और वही ऊर्जा आपकी ओरा को रिपेयर करने का काम करेगा, आपकी बीमारी को दूर करने का काम करेगा और आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाएगा। तो नमस्ते चंडी के चंडी चंडमुंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगद्धात्री प्रसीद हरिवल्लभे, प्रणमामि जगद्धात्री जगत पालन कारिणीम, जगत क्षोमकारी विद्या जगत सृष्टि विधायनीम, करालाम विकटाम घोराम मुंडमाला विभूषिताम, हरा चिंताम हराराध्याम, नमामि हरवल्लभाम, गौरी गुरुप्रियाम गौण वर्ण अलंकार भूषिताम, हरिप्रियाम महामायाम, नमामि ब्रह्म पूजिताम, सिद्धाम सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्याधर गणयुक्ताम, मंत्र सिद्धि प्रदाम योनि सिद्धाम लिंग शोभिताम, प्रणमामि महामायाम दुर्गा दुर्गति नाशिनीम, उग्राम उग्रमयी उग्रतारा उग्र गणयुक्ताम, नीलाम नीलघन श्यामाम, नमामि नीलसुंदरीम, श्यामांगी श्याम घंटिताम, श्यामवर्णि विभूषिताम, प्रणमामि जगद्धात्री गौरी सर्वार्थसाधिनी, विश्वेश्वरी महाघोरा विकटा घोरनादिनी, आद्यमाद्य गुरोराद्यमाद्यनाथ प्रपूजिताम, सिद्धुर्गा धंदा अन्नपूर्णा पद्मा सुरेश्वरी, प्रणमामि जगद्धात्री चंद्रशेखर वल्लभाम, त्रिपुरा त्रिसुंदरीम, बालाम बलागण भूषिताम, शिवदूती शिवाराध्याम, शिवदेहा सनातनीम, सुंदरीम तारिणीम, सर्वशिवागण भूभूषिताम, नारायणी विष्णु प्रज्ञाम, ब्रह्म विष्णु हरप्रियाम, सर्वसिद्धि प्रदाम विद्याम महाविद्याम, महेश्वरी महेश भक्ता माहेशी महाकाल प्रपूजिताम, प्रणमामि जगद्धात्री शुंभ असुर विमर्दनीम, रक्त प्रियाम रक्तवर्णाम रक्तबीज विमर्दनीम, भैरवी भुनादेवी लोलजीवम सुरेश्वरीम, चतुर्भुजाम दशभुजाम अष्टादशभुजाम शुभाम, त्रिपुरेशी विश्वनाथ प्रियाम विश्वेश्वरी शुभाम, अट्टहास अट्टहास प्रियाम धूम्र विनाशिनीम, कमलाम छिन्नमस्ताम च मातंगी सुरसुंदरीम, षोडशी विजया भीमाम धूम्रा च बगलामुखीम, सर्वसिद्धि प्रदाम सर्वविद्या मंत्र शोधनीम, प्रणमामि जगताराम सानाम संबंध सिद्धिये, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमाती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्कीता। तो इस स्तुति को बार बार दोहराने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
यदि आप अपनी इस जिंदगी से त्रस्त आ गए हो, कष्टों से त्रस्त आ गए, परेशानी से कष्ट आ गए हो, तो इस स्तुति का, इस स्तोत्र का पाठ लगातार करते रहो। इस स्तुति का पाठ करने से सभी मंत्रों की सिद्धियां भी प्राप्त होती है, क्योंकि इसके अंदर सभी देवी देवताओं के नाम प्राप्त हो गए हैं। और रोजाना इसका पाठ यदि आपने 11 बार भी पाठ कर लिया तो धीरे धीरे आपके कष्टों का अंत होना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे आपके पुण्य का घड़ा भराता जाएगा, वैसे वैसे आपके कष्ट धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। परंतु यदि जिंदगी में आपने कभी स्तुतियां पढ़ी नहीं, कभी जिंदगी में आपने देवी मां के सामने समर्पण नहीं किया, कभी आपने जिंदगी में किसी देवी मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन नहीं किया, कभी आपने जिंदगी में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कराया, आपने अपनी जिंदगी में कभी कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, तो आपको यह गड्ढा भरने में कई साल लग जाएंगे, इसको रिपेयर होने में कई समय लग जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गड्ढा अपनी जिंदगी में, जब से आपने होश संभाला है, पैदा होने की बात नहीं कर रहा हूं, होश संभाला है तब से आपने ईश्वर के आगे झुकना सीखा ही नहीं। आप इन चीजों को बहुत से व्यक्ति ढकोसला मानने लगे हैं। यदि कोई व्यक्ति 10-15 मिनट भी हवन कराता है किसी ब्राह्मण को बुला करके, तो उसके घर में कुछ नहीं होना 10-15 मिनट से हवन से, तो कम से कम किसी भी चीज का, जिसका भी वो करना चाहे, चाहे वो कुल देवी देवता के नाम से करे, हनुमान जी के नाम से करे, भैरव जी के नाम से करे, या फिर देवी जी के नाम से करे, कम से कम 108 आहुति तो देना चाहिए। और जो शुरू के ओम गम गणपते नमः से लेकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः तक जो 22-23 नाम है, उनके नाम से तो आहुति देना होगी, तब तो फायदा होगा। तो ये 10 महाविद्या स्त्रोत आप नवरात्रि में पाठ कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा पाठ कर सके वो करें, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, बस शर्त है कि आपको इसको बोलना अच्छे तरीके से आता हो। फिर इसी तारतम्य में गुप्त नवरात्रि में रुद्र चंडी स्त्रोत होता है, यह भी स्त्रोत है। तो इस गुप्त नवरात्रि में रुद्र चंडी स्त्रोत का पाठ जो है, इसके लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसमें ज्यादा संस्कृत भी नहीं है, तो इसका भी पाठ आप चाहें तो उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कुंजिका स्त्रोत करते हैं, 10 महाविद्या स्त्रोत करते हैं। इसी प्रकार रुद्र चंडी स्त्रोत का पाठ करने से भी आपकी व्याधियां, आधियां, बीमारी, दुखी, कष्ट, परेशानी, ये सब चीज दूर हो सकती है, बशर्ते कि पूर्ण समर्पण भाव से करें और यह मान करके चलें कि अब आपने अपने इस शरीर को, अपनी आत्मा को उस शक्ति को अर्पित कर दिया है, और उसके आदेश से जैसा वो रखे आप रह रहे हो, यह मान करके आपको अब रोजाना पूजा पाठ करना है, तो ही गुप्त नवरात्रि मनाइए, अन्यथा मत मनाइए। तो गुप्त नवरात्रि में यदि आपके यहां कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ हो, तो आप इनका पाठ कर सकते हो। ओम गौर चंडी महाचंडी चंडमंड विखंडनी चतुर्वक्ता महावीर्या महादेव भूषिता रक्त दंता वारारोहा महिषासुरमर्दिनी तारिणी जननी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा गोकाली जगद्धात्री चंडी यामलोद्भवा शमशानवासिनी देवी घोर चंडी भयानका शिव घोरा रुद्र चंडी माहेशी गणभूषिता जानवी परमा कृष्णा महा त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परमा विद्या चंडी वेरी वर्धनी दुर्गा दुर्ग शिव घोरा चंड चंड हंत्री पचंडिका माहेशी बगला देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रमथे भूषिता कृष्णा चामुंडा मुंड मर्दनी रणखंडा चंड घंटा रणरामा रणप्रिया भवानी भद्रकाली च शिव घोरा भनका विष्णु प्रिया महामाया नंद गोप ग्रहोद्भवा मंगला जननी चंडी महाक्रुद्धा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा ज्योतिर्बुद्धि स्मृति क्षमा तृष्णा क्षुदा तथा छाया शक्ति मारिया मनोहरा तस्य देवे नमो या वे सर्वस्वरूपन संस्थिता प्राण प्रिया जाति माया निद्रा रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपन संस्थिता नमत्तस्य 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 नमो नमः महाचंडी शिव घोरा
भयानका वरप्रदा कांचनी कमला विद्या महारोगी मर्दनी गोचंडी शिव घोरा चंडी त्रैलोक दुर्लभा देवानाम दुर्लभा चंडी रुद्रामल सन्मदा अप्रकाशा महादेवी प्रिया रावण मर्दनी मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया मधुमता महानत्या भूत प्रमथंगदा महाभागा महारामा धानदा धनरत्नदा वस्त्रादि मणि राज्यादि प्रजा विषय वर्दिका मुक्तिदा सर्वदा चंडी महा आपत्ति विनाशिनी रुद्र दया रुद्र रूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा रुद्र शक्ति रुद्र रूपा रुद्रभूषा संविदा शिव चंडी महाचंडी शिव प्रेत गणविदा भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुंदरी परमा पूज्या महात्रिपुर सुंदरी गुहकाली भद्रकाली महाकाली मर्दनी कृष्णा कृष्ण स्वरूपा सा जनसम्मोहनकारिणी अति माद्रा महालज्जा सर मंगलदायिका गौरतंद्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा मंगला सिद्धिदायिनी सर्वदा शिवा स्मृति रूपा कीर्ति रूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रिया शक्र पूज्या योगिंद्रपि सेविता भयानका महादेवी भय दुख विनाशिनी चंडी का शक्ति हस्ता च कोमारी सर कामदा। तो इस प्रकार से ये रुद्र चंडी स्त्रोत है, इसका पाठ करने से भी मां चंडी चामुंडा गुहकाली महाकाली दक्षिणकाली यानी दस महाविद्या के अंदर की जो दस देवियां हैं काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ताच विद्या दुमावती बगला सिद्ध विद्या मातंगी कमलात्मिका सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। तो इस प्रकार से ये दस देवियां आप इन स्तुतियों का पाठ करके प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इन दस महाविद्या की अलग अलग अपने आप में एक महाविद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति के लिए एक ही शक्ति को यदि आप जिंदगी में संभाल लो तो बहुत बड़ी बात है, तो दस महाविद्या तो बहुत दूर की बात हो गई। इसलिए जो भी काम करें दस महाविद्या से संबंधित, कोई भी साधना करें, कोई भी संकल्प लें विशेष संकल्प, तो गुरु के सानिध्य में करें, गुरु के परमिशन लेकर के करें और गुरु से विधान पूछ करके करें। सबसे बड़ी बात होती है विधान, नियम कानून, उनके अनुसार आप करें, अन्यथा आपको यदि कोई क्षति होती है, नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए न कोई गुरु जिम्मेदार है, न कोई YouTube जिम्मेदार है, न कोई और जिम्मेदार है, आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो हमेशा कोई भी काम करें आप नियम कानून से करें, क्योंकि जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो 5,000-10,000 रुपए का, चाहे कंप्यूटर खरीदा, प्रिंटर खरीदा, कोई आपने पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम वाला कोई भी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, टीवी खरीदा, तो जब भी अपन ऐसा कोई सिस्टम खरीदते हैं तो उस सिस्टम के साथ में एक मैनुअल मिलता है, एक किताब मिलती है कि इस सिस्टम को आपको कैसे चालू करना, कैसे बंद करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का तरीका उस किताब में मैनुअल में बताया जाता है कि इसके अनुसार आपको इस सिस्टम को या इस मशीन को चलाना है। उसी प्रकार से जब भी आप कोई साधना करें तो वो भी एक तरीके की मशीनरी है, साधना यानी आपको शक्ति के अनुरूप बनना है, मशीन हो गई वो, तो उस शक्ति के क्या नियम है, शक्ति के क्या लेट डाउन नाम से उनका पालन अवश्य करें। और ये सब चीजें जो होती है गुरु गम्य होती है, गुरु से आशीर्वाद लेकर के ही की जाती है। तो जिंदगी में आप गुरु अवश्य बना लें और फिर इसकी कोई साधना करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। जय माता दी, जय माँ का मख्या। और यदि हो सके, यदि आप सात्विक व्यक्ति हो, दस महाविद्या में सात्विक साधना आदि करना है, तो आपको भूरा कद्दू की बलि देना चाहिए, गन्ने की बलि देना चाहिए आपको, इन दो चीजों की बलि लगती है। जय माता दी, जय माँ का मख्या, ऐसे कुछ कुछ जगह केले की भी बलि दी जाती है, कुछ जगह जायफल की बलि दी जाती है, और कुछ जगह अनार की बलि भी दी जाती है, और कुछ जगह नींबू की बलि भी देते हैं और नारियल की बलि भी देते हैं। ये सब सात्विक बलि कहलाती है। तो आपको यदि दस महाविद्या का कोई भी आप जप तप साधना अनुष्ठान कर रहे हैं तो इनकी बलि भी आपको आखिरी दिन देना ही देना है। जय माता दी, जय माँ का मख्या। ए हो ही गुह काली के मम बलिम ग्रहणम ग्रहणम मम शत्रु नाशे नाशे खादे खादे स्फुर स्फुर चिंदी चिंदी सिद्धिम देही होम फट। बलि देते समय भी मंत्र बोला जाता है, अलग अलग
शक्ति के लिए अलग अलग मंत्र होता है, ये सब गुरुगम्य है। इसीलिए आपको गुरु से परमिशन लेकर के ही दस महाविद्या का कोई भी काम करें। सहार काली, दक्षिण काली, भद्र काली, गुह काली, महाकाली, वीर काली, उग्र काली, चंड काली, इस प्रकार से अलग अलग कालीमा होती है। जिसकी भी साधना करें गुरु से परमिशन लेकर के ही करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी दुरिता भानिनी शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से करते हैं और आगे आपके लिए करते रहेंगे। मैं राजधर्म था, आपको सनातन धर्म से संबंधित इन दस महाविद्या की साधना का ज्ञान देना, क्योंकि आपको यह ज्ञान नहीं दिया गया, आपके न तो आप किसी गुरु के पास भी नहीं गए और आपके माता पिता ने भी यह ज्ञान आपको नहीं दिया, और यदि किसी से ज्ञान देने की कोशिश की भी थी आपने उसको वजन न देते हुए प्रयोग नहीं किया। अब मैंने आपको ज्ञान देकर के मैंने अपने धर्म का और अपने इष्ट के आदेश का पालन कर लिया है, अब आपकी बारी है धर्म का पालन करने की। हो सकता है कि आपके गुरु ने साधना तो कराई हो परंतु अधूरी रह गई हो, या बीच में साधना देने के बाद में गुरु जी मोक्ष को प्राप्त हो गए हो, या चोला छोड़ चुके हो तो साधना अधूरी रह गई हो, तो ऐसे साधक जो हैं देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनकी वह साधना पूरी करवाई जा सकती है। देवराधा ट्रस्ट के संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें 9893128047 7649862712, इन पर आप संपर्क करके देवराधा ट्रस्ट से संपर्क करें और अपनी साधना को पूरी कर सकते हो। यदि किसी मनुष्य को दस महाविद्या से संबंधित साधना करना हो, भैरव जी की साधना करना हो, हनुमान जी की साधना करना हो नियर फ्यूचर में, तो संपर्क कर लें ताकि आप साधना कर सकें, अपने आप की मुक्ति करा सकें और मोक्ष की ओर रास्ते पर आगे अग्रसर हो सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।